बीजेपी विधायक को झटका लगा है। जबलपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं रीवा से, बीजेपी विधायक राजेंद्र शुक्ला की चुनाव जो उनके खिलाफ चुनाव याचिका खारिज करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। शुक्ला के खिलाफ चुनाव याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। 2018 विधानसभा चुनाव का ये मामला है। हारे कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने याचिका लगाई है। धनबल से चुनाव लड़ने और संपत्ति की जानकारी छुपाने का आरोप है। विजेंद्र जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विजेंद्र, बीजेपी विधायक को झटका लगा। जी हाँ, पूर्व मंत्री और रीवा से बीजेपी विधायक राजेंद्र शुक्ला को एक बड़ा झटका लगा है हाईकोर्ट से, क्योंकि हाईकोर्ट में उनकी ओर से एक आवेदन दायर किया गया था और ये कहा गया था कि उनके खिलाफ जो चुनाव याचिका हाईकोर्ट में पेंडिंग है उसे तकनीकी आधारों पर खारिज कर दिया जाए। और ये आरोप लगाया गया था कि उनके खिलाफ जो चुनाव याचिका लगाई गई है जिसमें उनका चुनाव शून्य घोषित करने की मांग की गई है, उसमें आरोप जो है वो मनगढ़ंत लगाए गए हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने राजेंद्र शुक्ला के आवेदन पर विधिवत सुनवाई की, विस्तृत सुनवाई की और उसके बाद ये आदेश कोर्ट की ओर से दिया गया है कि ये याचिका जो है वो विचाराधीन रहेगी और राजेंद्र शुक्ला का वो आवेदन कोर्ट ने खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने इस याचिका की सुनवाई जो है वो रद्द करने की मांग की थी। संक्षेप में आपको बता दूं कि ये याचिका राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ अभय मिश्रा की ओर से दायर की गई थी, जिन्होंने 2018 का चुनाव कांग्रेस की सीट से लड़ा था लेकिन वो चुनाव हार गए थे। याचिका में उन्होंने आरोप लगाया था कि राजेंद्र शुक्ला ने धनबल के साथ और अपनी जानकारियां, संपत्ति की जो जानकारियां हैं वो हलफनामे में छिपाई थी, लिहाजा उनका निर्वाचन शून्य घोषित किया जाना चाहिए। इसके खिलाफ ही एक आवेदन राजेंद्र शुक्ला की ओर से दायर किया गया था लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट ने यह साफ किया है कि राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ चुनाव याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट में जारी रहेगी। शुक्रिया आपका विजेंद्र जानकारी के लिए। तो